अभी हम सुहूर कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, और वक्त था तो हमने तहज्जुद भी पढ़ लिए। फजर की अजान हो गई थी तो हम घर के अंदर सुन्नत नमाज पढ़ के मस्जिद के अंदर फर्ज नमाज पढ़ने आने वाले थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सुन्नत नमाज अदा करते थे, सिर्फ फजर नहीं, पाँचों वक्त की। तो अगर हो सके तो आप भी घर में सुन्नत अदा कीजिए और घर मस्जिद में फ़र्ज अदा कीजिए। ये सही मुस्लिम की हदीस है जो नबी के घर में सुन्नत नमाज़ें पढ़ने के बारे में बताई गई है। और हम घर में ही नमाज़ पढ़ने वाले थे तो हमारी नमाज होने का रास्ता देख रहे थे। आज के दिन जुमा था तो हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आ रहे थे। जुम्मे की नमाज़ के लिए हमारा गेटअप अलग रहता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जुम्मा की नमाज़ के लिए आए ले। आज के दिन हम कोशिश करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे ज़्यादा अमल करें, इसलिए आज हम जब्बा पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गुसल करते हैं, इत्र लगाते हैं, कभी कभी हम सुरमा भी लगाते हैं और बालों में तेल भी लगाते हैं। इसलिए आज का दिन हमको ऐसा लगता है जैसे ईद के जैसा है। और इस दिन याद से आप लोग भी सूरह जुम्मा पढ़ा कीजिए और सूरह कैफ पढ़ा कीजिए। वालेकुम सलाम। आज का दिन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हम आउटडोर इफ्तार करने जाने वाले हैं और हमें बहुत पसंद है। हमारा गेटअप कैसा लगा जुम्मा का, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपका जुम्मा कैसा गया वो भी बताना। अच्छी खासी धूप थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। और हम उनकी टोपी देख के मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो टोपी बहुत कम पहनते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप मस्जिद की तरफ जाते वक्त जितने भी कदम रखेंगे उतनी नेकियां मिलेंगी, तो नमाज के लिए पैदल चल के जाना ज़्यादा प्रेफर किया कीजिए। और हाँ, जिस रास्ते से आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो आते वक्त दूसरे रास्ते से लौटना। रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान के अंदर ये दुआ कसरत से कीजिए। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफू फ़ाफ़ू अन्नी। और कैसे लग रहे हैं हम तीनों ज़रूर कमेंट्स में बताना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। आज की इफ्तारी हम बाहर करने वाले हैं, तो बाहर की इफ्तारी बनाने के लिए हमने यहाँ पे वड़े बना लिए हैं। और अभी यहाँ पे मैं नगेट्स तल रहा हूँ और ये उड़द की दाल के बड़ों का ये बैटर है। तो ये बड़े बन रहे हैं, उड़द की दाल के बड़े हैं ये। इसको ये मम्मा दही के साथ भी बनाने वाले हैं, बहुत टेस्टी। साइकिल से नहीं है। आज की इफ्तार मम्मा की तरफ से थी और बहुत टेस्टी भी थी। गाइस अब हम निकल रहे हैं, हम जूस लेने के लिए रुके थे। अब हम पहुंचने में है तो बाहर हमने जब डिसाइड किया था तो हमने डिसाइड किए थे कि हम कॉर्निश पे बैठ के इफ्तारी करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं कॉर्निश, ये हमारी फेवरेट जगह है। यहाँ पे पिछले साल हम बहुत बार इफ्तारी करने आए हैं और यहाँ पे मस्जिद भी बहुत पास में है। तो चलिए लगाते हैं हमारा सेटअप। गाइस अभी हम इफ्तार करने आए हैं आउटडोर, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी पुरानी जगह पे आए ले। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है और मैं इसको बाहर उड़ाने के लिए लाए लूँ, अब देखते कैसा उठता। रमज़ान के पहले अशरे में हमारे एग्ज़ाम्स थे तो हम कहीं बाहर इफ्तारी करने नहीं गए। दूसरे अशरे में हम उमरा के लिए चले गए, तो अब हम बाहर आए हुए तो हम इंजॉय कर रहे हैं, मास प्लेन उड़ा रहे हैं और मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। इफ्तार होने में टाइम है तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताता हूँ। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीतर की नमाज के बाद ये कलमा दोहराते थे, सुभान मलिक अल कुद्दूस, सुभान मलिक अल कुद्दूस, सुभान मलिक अल कुद्दूस। ये तीन मरतबा ये अल्फाज दोहराते थे। आप भी इसके ऊपर अमल किए और दूसरों तक पहुँचाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। गए वो सारी फैमिली यहाँ पे इफ्तार करने के लिए आए ले और कुछ ही वक्त इफ्तार के लिए। ये लोगों को देख के हमें भी एक आइडिया आया है और जल्द ही हम भी वही एक आइडिया पे अमल करने वाले हैं। बहन को दो ना खजूर, ये इधर इधर ये लो, वो हमारी है। ये सब इफ्तार हमने घर से बना के लाए ले, सिर्फ ये दो, ये जूसेस को छोड़ के, और ये केचप और ये मसाला का। ये सुधरा पुण्य नहीं बना प्लस मस्जिद क्यों नहीं दो थामा हो।
मास फोन की अजान पे ही रोजा खोलने वाले थे। इधर की होन दो। हेलो लेटी बटाऊं मैं वजू कर रहा हूँ। एक मस्जिद की अजान देर से हुई थी तो अब्बू बोल रहे थे कि इमाम वजू कर रहे थे इसलिए टाइम लग गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारी नमाज हो गई। तो अभी हमारी इफ्तार हो चुकी है, हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम हमारे घर पे आएंगे, तरावी की नमाज़ अदा करेंगे। ये वीडियो यही टक्के। अल्लाह सबको अच्छा रखे। आमीन। बाय।